सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की शुरू हम बात करने वाले कि आप अपना कैरेक्टर वेरिफिकेशन ऑनलाइन माध्यम से अपने घर बैठे अपने फोन से कैसे आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में फुल डिटेल्स में बात हम करने वाले हैं। दोस्तों, कैरेक्टर वेरिफिकेशन यानी कि आप पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना होगा, कैसा है उसका प्रोसेस होगा, आपको कैसे आवेदन करना होगा, आपको दोस्तों रजिस्ट्रेशन लेकर प्रिंट तक और उसकी कैसी पेमेंट करनी होगी। फुल डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको कैसे क्या इसका प्रोसेस रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल फ़ोन को स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैरेक्टर वेरिफिकेशन यानी कि आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको सिंपली अपने प्ले स्टोर ओपन कर लेना होगा। जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर सिंपली आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना होगा UPCOP, सिंपली सर्च कर देना होगा। जैसे सर्च करेंगे तो आपको देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का ये ऑफिशियल ऐप है, सिंपली आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा 5 या 6 MB का ऐप है, सिंपली आपको उसको ओपन पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, मैंने उसको ओपन कर लिया है। दोस्तों, यहाँ ओपन करेंगे जैसे तो आप देख सकते हैं मेरा होम पेज आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों, आप FIR, कंप्लेन, परमिशन, सर्विस, ऐसे कई सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को आपको मिल रहे हैं। सिंपली आपको करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने पहले से लॉगिन कर रखा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले सीधा आपको लॉगिन कर लेना होगा। ठीक है, लॉगिन करने में पहले यहाँ पर लॉगआउट कर देता हूँ। ठीक है, लॉगआउट करने के बाद सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। मैं सिंपली यहाँ आकर सिंपली यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है, जैसे मुझे कैरेक्टर वेरिफिकेशन बनवाना है तो मैंने सर्विस में क्लिक करेंगे। और दोस्तों, यहाँ जो पहला लिंक दिख रहा है आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, सिंपली आपको इसी में क्लिक कर देंगे। दोस्तों, ये इसमें आपको ₹50 चार्ज ऑनलाइन करता है। ठीक है, सिंपली आपको इसी में क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से मोबाइल फ़ोन नंबर मांगेगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना फिलअप कर देंगे। ठीक है, तो मैंने मोबाइल में डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपके एक OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड, वो OTP आपको डालना होगा। दोस्तों, मेरी OTP आ चुकी है और सिंपली आपको यहाँ पर वेरीफाई में क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ दूसरा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो जैसे मेरे सामने ये फॉर्म खुलकर आ गया है, क्योंकि दोस्तों मैंने इसको पहले से ही लॉगिन कर रखा है, इसलिए ऐसा ऑप्शन आ गया है। अगर आप लॉगिन करेंगे नया तो आपको यहाँ पर पासवर्ड आपको मांगेगा, आप कोई भी एक नया पासवर्ड वहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ आने पर सिंपली आपको दोस्तों लिखा है कि मेरा नेम लिखा हुआ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर ऑप्शनल है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना फादर नेम डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर अपनी एज चूज कर लेंगे, जो भी आपकी एज हो यहाँ से। ठीक है, कि आप कितने साल के, 19 साल, 20 साल, 25 साल, जितने के वहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर जेंडर चूज कर लेंगे, मेल, फीमेल। ठीक है, यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस पूरा यहाँ पर फिलअप कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट हो, जैसे मैंने ये चूज कर लिया है। ठीक है, यहाँ आप पुलिस स्टेशन चूज कर लेंगे। ठीक है, पुलिस स्टेशन के लिए आप कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जिस एड्रेस में आपने डाला है तो वहाँ पर आप कब से रहते हैं, जन्म से रह रहे हैं, तो आपकी जितनी भी बर्थ है यानी आपके जितने भी ईयर के हैं वो फिलअप कर देंगे। जैसे मैं 25 साल हूँ, 25 साल में डाल दूंगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको सिंपली नो ही रहने देना होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि डू यू हैव एन क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू और योर फैमिली इज पार्ट ऑफ कंट्री। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको अगर क्रिमिनल केसेस है तो यहाँ पर येस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। सिंपली दोस्तों आपको नो पर ही क्लिक करना होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपलोड फोटो में, आपको अपलोड में क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने कुछ ऐसे नंबर खुलकर आ जाएगा, जो भी आपकी फ़ोटो हो वहाँ पर फिलअप कर देंगे। ठीक है, फिलअप करने के बाद सिंपली आप उसमें यहाँ पर टिक करके सबमिट के ऑप्शन में कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो आप दोस्तों सीधा आपको पेमेंट के ऑप्शन पर रिडायरेक्ट करेगा, और आप वहाँ पर जाकर आप ₹50 पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर आप UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट करेंगे तो दोस्तों आपके सामने रसीद ओपन होकर आ जाएगी। दोस्तों, आप करना क्या होगा इसका स्टेटस देखने के लिए, सिंपली आप करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर लिखा सर्च योर एप्लीकेशन स्टेटस, सिंपली इसी में क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ लिखा टाइप ऑफ सर्विस, इसमें क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर लिखा कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ईयर डाल सकते हैं, जब ईयर कौन से ईयर में आपने किया है, या फिर आप रिक्वेस्ट नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, आपके फ़ोन में मैसेज आ जाता है उसका, यहाँ पर सर्च कर देंगे। ठीक है, जैसे ही सर्च करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, मैंने रजिस्ट्रेशन, 3 रजिस्ट्रेशन मैंने किए थे दोस्तों, मेरे सामने रजिस्ट्रेशन नंबर निकल कर आ चुके हैं। तो आप भी ऐसा अपना स्टेटस देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कमेंट बॉक्स में भी आपको सारी डिटेल्स में चीज़ें बता दूंगा। तो गाइस, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।